हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम ज्योति जवाहर खंड काव्य को पढ़ने वाले हैं। ये खंड काव्य आपके एग्जाम में 3 नंबर का आता है। जो बच्चे कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा आदि में रहते हैं, उन जिलों के बच्चों के लिए ये ज्योति जवाहर खंड काव्य आपके एग्जाम में 3 नंबर का आता है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र या फिर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर क्वेश्चन पूछता है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चित्रांकन कीजिए या फिर विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि देवी प्रसाद शुक्ल राही, ये इनका नाम है, इन्होंने इसको लिखा है, द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्न हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री, उनके ऊपर ही ज्योति जवाहर लिखा गया है और इसके लेखक हैं कवि देवी प्रसाद शुक्ल राही। ठीक है, तो चलिए इनकी विशेषताएं यानी कि चरित्र चित्रण स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली विशेषता है विराट व्यक्तित्व। जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भारतवर्ष के समान ही विराट है। सूरज का तेज, चांद की उगढ़ता तथा सागर की गहरी, धरती का धैर्य और पवन की गति उनके व्यक्तित्व में समाहित है, यानी कि उनका व्यक्तित्व विराट है। दूसरी विशेषता है आधुनिक भारत के निर्माता एवं देशभक्त। नेहरू परम देशभक्त थे। उन्होंने गांधी का अनुसरण करते हुए देश को स्वतंत्र कराने में अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष तथा गणतांत्रिक देश को घोषित करने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, यानी कि वे बहुत बड़े देशभक्त थे और उन्होंने गांधी जी के आदेश पर ही वो प्रधानमंत्री बने थे और देश को धर्मनिरपेक्ष व पंथनिरपेक्ष तथा गणतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोकप्रिय राजनेता, नेहरू जी जनता में अत्यधिक लोकप्रिय थे, यानी कि पॉपुलर थे। कवि ने उनको युगावतार तथा लोकनायक के रूप में वर्णित किया है। जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने, यानी कि ये पॉपुलर नेता थे और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने गांधी जी के आदेश पर। और चौथी विशेषता है अहिंसा के समर्थक। जवाहरलाल नेहरू के चरित्र पर सम्राट अशोक और महात्मा गांधी का प्रभाव था, यानी कि वे हिंसा में बिलीव नहीं करते थे, वे अहिंसा में बिलीव करते थे, लड़े झगड़े में बिलीव नहीं करते थे। पांचवी विशेषता है विश्व शांति के अग्रदूत एवं विरोधी। भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले नेहरू जी विश्व शांति के अग्रदूत थे। वह युद्ध को सदा विरोध करते थे। उन्होंने निशस्त्रीकरण, पंचशील, गुट निरपेक्ष आदि को बढ़ावा देकर विश्व में शांति की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसीलिए उनके चरित्र में संपूर्ण भारत की छवि स्वतः ही मिल जाती है, यानी कि वे क्या कहते हैं, शांतिपूर्ण थे, यानी कि शांति उनको पसंद थी। वे देश को, विश्व को बिल्कुल शांतिपूर्ण और निशस्त्रीकरण, पंचशील, गुट निरपेक्ष आदि को बढ़ावा देते थे। तो ये था ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण यानी कि विशेषताएं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।